नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दो देशों तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड्स की यात्रा पर रवाना। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय स्तर की वार्ता जारी। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आज 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। ओडिशा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। देश के उत्तरी, मध्य और पश्चिमी भागों में लू का प्रकोप, मौसम विभाग ने लोगों से लू से बचने को कहा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा नीति बनाने से पहले देशभर में विभिन्न वर्ग के लोगों से व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा कि समय के साथ देश को बदलना होगा। क्या हम 20वीं सदी की नीतियों को लेकर के 21वीं सदी का निर्माण कर सकते हैं क्या? मैं आप लोगों से पूछता हूं, 20वीं सदी की सोच, 20वीं सदी की व्यवस्था, 20वीं सदी की नीति, इससे 21वीं सदी में आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं बढ़ सकते ना। तो हमें 21वीं सदी के अनुकूल अपनी सारी व्यवस्थाओं को, सारी नीतियों को ढालना चाहिए कि नहीं ढालना चाहिए। अगर हम अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे तो हम ठहर जाएंगे, और ठहर जाएंगे ऐसा नहीं, हम पिछड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी कोई अभिशाप नहीं है और इसका स्वागत तथा प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। आज हम डिजिटल गैजेट के माध्यम से, नए टेक्नोलॉजिकल टूल के माध्यम से और बड़े व्यापक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसे हमने एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए, हमने इसे समस्या नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि कभी हमें कोशिश करनी चाहिए, हम ऑनलाइन हमारी पढ़ाई को एक रिवॉर्ड के रूप में अपने टाइम टेबल में रख सकते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि मान लीजिए आपने आपके टीचर के द्वारा मिली हुई नोट्स और स्टैंडर्ड मटेरियल कहीं आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, दोनों को बराबर देखेंगे तो आप ही उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। परीक्षा से पहले छात्रों में व्याप्त तनाव पर श्री मोदी ने उन्हें सलाह दी कि वे परीक्षा के तनाव में बिल्कुल न आएं और मानकर चलें कि उन्होंने पहले भी ऐसी स्थिति का सामना किया है। परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है, हमारी विकास यात्रा का छोटे 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 पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है, हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते 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 एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं, और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस प्रेशर में मत रहिए, पैनिक क्रिएट हो ऐसा वातावरण को पनपने की मत दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि माता पिता और शिक्षकों के अधूरे सपनों को बच्चों पर थोपा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दिव्यांग व्यक्ति कई क्षमताओं से वंचित रहता है, फिर भी वो उन कमजोरियों को ताकत में बदल देता है। उन्होंने कहा कि छात्रों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी कमजोरियां उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। श्री मोदी ने खेलकूद के महत्व को रेखांकित किया। पहले हमारे यहाँ खेलकूद एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता है। आपको जो 5वीं, 6वीं, 7वीं में पढ़े होंगे उनको पता होगा,
अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है। यानी खेलकूद खेलना खिलने के लिए बहुत अनिवार्य होता है, बिना खेले कोई खिल नहीं सकता। अगर आप खिलना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं, तो खेल जीवन में बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिस्पर्धा अधिक हो सकती है, लेकिन उनके पास कई और अवसर भी हैं। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं में बहुत जिज्ञासा है कि वे अपनी कार्यक्षमता में किस प्रकार सुधार कर परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। उन्होंने बालिकाओं के सशक्तिकरण की भी बात कही। उन्होंने कहा कि बेटियां परिवार की शक्ति होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को लेकर लोगों में संशय था, लेकिन देश के बच्चों ने इस संशय को गलत साबित कर दिया। उन्होंने स्वच्छता अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बच्चों की प्रशंसा भी की। हमारे संवाददाता ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने वाले कुछ छात्रों और शिक्षकों से बात की। मेरा नाम पम्मी है, मैं जेएनवी नवोदय से हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई प्रधानमंत्री से मिलके। मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा था परीक्षा पे चर्चा पर। नमस्कार, मेरा नाम पूजा है, मैं जेएनवी जाकरपुर क्लास से आई हूँ। मैं एक्चुअली यहाँ पे आने से पहले बहुत एक्साइटेड थी। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मुझे परीक्षा के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई कि मुझे कैसे हील करनी है परीक्षा को लेकर किसी भी प्रॉब्लम को। यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा था। आई होप कि मैं आगे प्रधानमंत्री जी से पर्सनली मिल सकूं। हम सभी जानते हैं कि परीक्षा के समय विद्यार्थी और अभिभावक दोनों चिंतित हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं एग्जाम का। लेकिन परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन किया है, उससे मुझे विश्वास है कि सभी छात्राओं को और अभिभावकों को आत्मविश्वास मिला है। और जो टिप्स उन्होंने शेयर किए, उससे मुझे विश्वास है कि हमारे सभी छात्र परीक्षा को आत्मविश्वास से दे पाएंगे। और एज ए पेरेंट भी हमें हमारा रोल पता चला है कि हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। तो मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मंजू अगाना है और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जाफरपुर से आई हूँ। यहाँ पर मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स हूँ। बच्चों को ना एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता था, लेकिन जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो बच्चों ने फील करना शुरू किया है कि एग्जाम को हमें बिल्कुल उससे डरना नहीं है, क्योंकि लाइफ में हर स्टेज पर हमें कुछ ना कुछ एक तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो वो एक तरीके से हमारे लिए हमें आगे बढ़ने की सीढ़ी है जो हम एग्जाम के रूप में पूरा करते हैं। हम केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 12 से आए हैं। दिव्यांग बच्चे हमारे साथ हैं और इन बच्चों ने आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को बहुत अच्छे से सुना। बहुत प्रसन्नता के योग्य ये कार्यक्रम है। सभी बच्चे बेहद खुश हैं। 5 बच्चे हमारे साथ हैं जो 5 दिव्यांग बच्चे हैं, उनको ये अवसर मिला और उनका मनोबल बहुत बढ़ा अवसर को देख के। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242। ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड्स की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पहले चरण में वे तुर्कमेनिस्तान जाएंगे। भारत और तुर्कमेनिस्तान के राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ये यात्रा हो रही है। श्री कोविंद तुर्कमेनिस्तान जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति सरदार बर्दी मोहम्मदोव के पदभार संभालने के 2 सप्ताह के भीतर ही श्री कोविंद की ये यात्रा हो रही है। श्री कोविंद तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस अवसर पर अनेक समझौते किए जाएंगे। मत्स्य डेयरी और पशुपालन तथा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन और सांसद दिलीप घोष भी राष्ट्रपति के साथ यात्रा पर गए हैं।
राष्ट्रपति यात्रा के दूसरे चरण में सोमवार से नीदरलैंड्स के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से ही मतभेदों और विवादों को बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाने का पक्षधर रहा है। आज नई दिल्ली में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बैठक में अपने संबोधन में डॉ जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय मुद्दों और परस्पर चिंताओं पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक मुश्किल वैश्विक हालात में हो रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया है और भारत तथा रूस के बीच द्विपक्षीय संबंध निरंतर प्रगाढ़ हो रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री श्री लावरोफ ने कहा कि भारत और रूस के बीच कूटनीतिक साझेदारी बढ़ी है और यही उनकी प्राथमिकता है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार किया है और राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं भेजी हैं। श्री लावरोफ ने भारत की इस बात के लिए सराहना की कि वो स्थिति को समझ रहा है। श्री लावरोफ कल शाम भारत की 2 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद रूस के अधिकारियों का ये उच्च स्तरीय दौरा हो रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ उनकी पत्नी डॉ आरजू देउबा और एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी आ रहा है। पिछले वर्ष जुलाई में सत्ता में आने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी। पाकिस्तान में विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री इमरान खान पर एक भी वायदा पूरा न करने और देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी विदेशी संस्थाओं का गुलाम बनाने का आरोप लगाया है। विपक्ष की यह प्रतिक्रिया कल इमरान खान के राष्ट्र को संबोधित करने के तुरंत बाद आई है। अपने संबोधन में इमरान खान ने आरोप लगाया था कि विदेशी ताकतों को विपक्षी पार्टियां इसलिए स्वीकार हैं क्योंकि वे भ्रष्ट हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। श्री बिलावल ने कहा कि अब वे इस्तीफा देकर ही सम्मानजनक तरीके से बच सकते हैं। एक ट्वीट संदेश में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री में आत्मसम्मान बचा है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। श्रीलंका में राजधानी कोलंबो में कर्फ्यू हटा लिया गया है। राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण कर्फ्यू लगाया गया था। प्रदर्शनकारी देश में मौजूदा खाद्य और ईंधन संकट के मद्देनजर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। पुलिस ने राजपक्ष के आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ी और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया था। श्रीलंका सरकार ने कहा है कि संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बातचीत चल रही है। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि श्रीलंका के तमिलों को मानवीय आधार पर सहायता उपलब्ध कराने की राज्य को अनुमति दे। श्रीलंका से अनेक शरणार्थी तमिलनाडु पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 देशों तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड्स की यात्रा पर रवाना। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय स्तर की वार्ता जारी। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आज दोपहर बाद 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। ओडिशा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। देश के उत्तरी, मध्य और पश्चिमी भागों में लू का प्रकोप। मौसम विभाग ने लोगों से लू से बचने को कहा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 184,97,00,000 टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 15,62,00,000 से अधिक टीके अब भी उनके पास बचे हुए हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत देश में अब तक 184,31,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 23,57,000 से अधिक टीके लगाए गए।
स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.76% हो गई है। कल 1,900 से अधिक लोग स्वस्थ हुए, जबकि 1,300 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक कुल 4,24,90,922 लोग ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में केवल 13,307 कोरोना मरीजों का उपचार चल रहा है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने टेलीविजन कार्यक्रमों के जरिए बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुश्री ईरानी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सुझाव दिया कि कार्यक्रम निर्माण करने वाले संस्थानों या चैनलों को देशभर में व्यापक पैमाने पर इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान बच्चों को उपलब्ध हो सके। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का उल्लेख करते हुए सुश्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में कुपोषित बच्चों की संख्या 19.3% और अत्यधिक कुपोषित बच्चों की संख्या 7.7% रही है। महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि सरकार ने मिशन पोषण का दूसरा चरण मंजूर किया है। सक्षम आंगनवाड़ी योजना में स्वास्थ्य, पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाले तौर तरीकों को भी सशक्त किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी को लेवरेज करते हुए भारत सरकार आंगनवाड़ी सेवाओं के माध्यम से पोषण ट्रैकर नामक एक गतिविधि करती है, जिसके अंतर्गत बच्चों का वजन मापना, उनकी हाइट मापना और WHO का जो स्टैंडर्ड है उसके अंतर्गत बच्चा सुपोषित है या कुपोषित है ये निर्धारित कर वहाँ की आंगनवाड़ी जो सहायिका है उसको और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अवगत कराना, ताकि वो अपनी कार्रवाई वहाँ पर कर सकें, बच्चे उसके परिवार को विधिवत जो भी सहायता है वो दे सके चीफ मेडिकल ऑफिसर के सौजन्य से। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2021 का मसौदा तैयार कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मसौदे में देश की साइबर सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों को शामिल किया गया है। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार इंटरनेट की स्वतंत्रता, सुरक्षा और विश्वास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार साइबर हमलों के प्रति पूरी तरह सचेत और सतर्क है। सरकार ने 7 प्रधानमंत्री समन्वित मेगा वस्त्र और परिधान पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। ये पार्क नए और पहले से स्थापित जगहों पर लगाए जाएंगे। इन पार्कों में कारोबार के लिए विश्व स्तर की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन पर 7 वर्षों में करीब 4,445 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जारदोश ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब तक 13 राज्यों से कुल 17 प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है। सरकार ने कहा है कि किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबद्ध मुद्दे पर समिति के गठन के लिए वो प्रतिबद्ध है। कृषि और कृषक कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में ये जानकारी दी। इस समिति में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के अलावा किसान संगठनों, कृषि वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कर्नाटक के तुमकुरु जिले के सिद्धगंगा मठ में शिव कुमार स्वामी की 115वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि डॉ शिव कुमार स्वामी कर्मयोगी और संत थे, जिन्होंने 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवेश्वर की शिक्षाओं का अनुसरण किया। श्री शाह ने कहा कि मठ आज भी डॉ शिव कुमार स्वामी द्वारा बताए गए मार्ग के अनुरूप काम कर रहा है। मठ में 10,000 से अधिक गरीब बच्चों को आश्रय, भोजन और मुफ्त शिक्षा दी जाती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दूरदर्शी और आध्यात्मिक नेता श्री शिव कुमार स्वामीगलु को उनकी जयंती पर याद किया। श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि वे निस्वार्थ सेवा और आध्यात्मिकता के प्रतीक थे। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि श्री शिव कुमार स्वामीगलु अनगिनत लोगों के दिलों में रहते हैं। ओडिशा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1936 में आज ही के दिन ये राज्य अलग राज्य बना था। कई गणमान्य व्यक्तियों ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज आकाशवाणी केंद्र बेंगलुरु का दौरा किया और केंद्र द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी ली। श्री ठाकुर ने एफएम रेनबो, संगीत, समाचार और प्राइमरी चैनल के लिए निर्धारित स्टूडियो को भी देखा। इस अवसर पर केंद्र के अपर महानिदेशक वी रमाकांत सहित सभी अधिकारी मौजूद थे। सूचना और प्रसारण मंत्री आज ही 24 अप्रैल से शुरू हो रहे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के लिए लोगो, थीम सॉन्ग और जर्सी जारी करने के कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। भारतीय संविधान और राजनीति विषय पर आपके प्रश्न हमें 5 अप्रैल तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। रामगढ़ में तुमकी प्रण है किया, वो आजादी की पगड़ी दीवानी ने रणचंडी बनकर रण है किया, महारानी। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी अवंतीबाई लोधी का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। अवंतीबाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1831 को सियोनी मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका विवाह रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र युवराज विक्रमादित्य सिंह लोधी से हुआ। उनके दो पुत्र हुए अमन सिंह और शेर सिंह। राजा विक्रमादित्य के खराब स्वास्थ्य के कारण रानी अवंतीबाई ने अपने अवयस्क पुत्र की ओर से शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। 1851 में जब राजा विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई, ब्रिटिश अधिकारियों ने रानी की अवमानना करते हुए रामगढ़ का शासन संरक्षण अदालत को सौंप देने का निर्णय किया। रानी ने इसका कड़ा विरोध किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रानी अवंतीबाई रामगढ़ की सेना की कमान संभाले स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हो गईं और सुहागपुर में ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया। युद्ध में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों को हरा दिया। अपनी हार से बौखलाए अंग्रेज प्रतिशोध लेने के लिए वापस आए और रामगढ़ पर हमला कर दिया। अवंतीबाई ने ब्रिटिश सेना को रोकने के लिए गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। 1 अप्रैल 1858 को देवहरगढ़ की पहाड़ियों में निर्णायक युद्ध में उनकी संयुक्त सेना को अंग्रेजों के हाथों हार का सामना करना पड़ा। रानी को पीछे हटते हुए रामगढ़ वापस लौटना पड़ा। यहाँ अंग्रेजों ने उन्हें और उनके समर्थकों की घेराबंदी कर दी। कई विवरणों में दावा किया गया है कि अवंतीबाई ने हार सामने देखकर बंदी बनाए जाने से बचने के लिए स्वयं अपनी जान ले ली, जबकि अन्य विवरणों का दावा है कि बंदी अवस्था में ही अगस्त 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। आज भी लोकगीतों और लोक नाटिकाओं में उन्हें याद किया जाता है। उनका साहस और हौसला लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस महान वीरांगना अवंतीबाई को हमारा शत शत नमन।
आज हम शहीद आनंद चरण मलिक को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनका निधन 1 अप्रैल 1930 को हुआ था। कोलकाता के धर्मटोला में रहने वाले आनंद चरण ने अनुचित यातायात नियमों का विरोध किया था। आनंद चरण और उस इलाके के अन्य लोग ब्रिटिश प्रशासन द्वारा लागू नए व्यापार नियमों से असंतुष्ट थे। उन्होंने इस आधार पर नए नियमों पर आपत्ति की कि इससे उनकी आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने इसका विरोध करने का फैसला किया। 1 अप्रैल 1930 को गाड़ीवानों ने साथ मिलकर अपनी बैलगाड़ियां सड़कों पर छोड़ दी और पशुओं को हटा लिया। मुख्य सड़कों को बलपूर्वक खाली कराने के लिए आई पुलिस से संघर्ष छिड़ गया और जल्दी ही बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी गाड़ी वालों के साथ आ गए। पुलिस ने भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें आनंद चरण मलिक और 6 अन्य लोग मारे गए। देश की माटी के इन महान सपूतों को हमारा सादर नमन। आज हम शहीद वरियाम सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1925 में सभी प्रार्थना सभाओं पर पाबंदी के अंग्रेज सरकार के आदेश के विरोध में जैतो गुरुद्वारा गंगसर नाभा तक 11वें अहिंसक शहीदी जहां में भाग लिया था। जब मोर्चा जैतो पहुंचा, ब्रिटिश सेना ने इसे रोक दिया और बड़ी संख्या में इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वरियाम सिंह भी गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें भयंकर यातनाएं दी गईं और नाभाबीर जेल में 1 अप्रैल 1925 को उनकी मृत्यु हो गई। भारत के इस महान सपूत वरियाम सिंह को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी रहीम अली खान की भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने आजादी की पहली लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के कर्मठ कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया था। कई स्थानों पर उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों से मोर्चा लिया और अपने पड़ोसियों की आर्थिक मदद भी की। एक मुकाबले के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। 7 मार्च 1859 को उन्हें अंडमान द्वीप भेज दिया गया। कारावास में ही 1 अप्रैल 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत रहीम अली खान को हमारा शत शत नमन। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। कल रात मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। देश के उत्तरी मध्य और पश्चिमी भाग तेज लू की चपेट में है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कहा कि देश के पश्चिमोत्तर, मध्य और पश्चिम क्षेत्र के कुछ जिलों में अगले 4 दिनों तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से लू से बचने की सलाह दी है और श्रम मंत्रालय, बिजली मंत्रालय और अग्निशमन विभाग से सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि देश के पश्चिमोत्तर हिस्से में आज से लू का असर कम हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज हवा चल रही है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। जम्मू, श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, शिलंग, इम्फाल, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 देशों तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड्स की यात्रा पर रवाना। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय स्तर की वार्ता जारी। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आज 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। ओडिशा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। देश के उत्तरी, मध्य और पश्चिमी भागों में लू का प्रकोप
मौसम विभाग ने लोगों से लू से बचने को कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।